कैसे सिचुएटेड हैं और क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित हैं इसको लेकर? इसमें मेरा नाम प्रिंस सोलंकी है, इस पर मैं DOP कर रहा हूँ। क्या नाम है? इसमें मेरा नाम प्रिंस सोलंकी है, इसमें मैं DOP कर रहा हूँ। हमारा प्रोडक्शन सही है हो रहा है और हम बहुत उत्साहित है इसमें करने के लिए। कल ही हमारा रिलीज हो रहा है 14 मई 3:30 बजे कल। थैंक्स सर। आप हाय, मेरा नाम सुभाष है और इस सॉन्ग को मैंने एडिट किया है। जब नितिन सर ये कॉन्सेप्ट लेके आए मेरे पास तो फर्स्ट तो मुझे ये गाना जो है गाना मुझे बहुत अट्रैक्टिव और कॉमेडी लगा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं। फिर जो कॉन्सेप्ट था कि वेक्टर एंड जो इमेज मीन्स जो वीडियो है अपना रियल उनको मिक्स करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किया है कि लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो आप देखो ये गाना और ये बहुत ही फनी एंड बहुत ही आपको माइंड जो है आपका बूस्ट अप कर देगा। तो गाइस प्लीज वॉच इट ऑन 14 मई जो कल आपको रिलीज होगा 3 बजे ऑन यूट्यूब यूआर स्टाइल टीवी नेटवर्क। हेलो, मेरा नाम योगेश यादव है, मैं इसमें स्टील BTS कर रहा हूँ अपना मेकिंग। थैंक यू। हेलो, नितिन चांद हियर, सो आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो अभी जैसे योस्टार TV पे ही आ रहा है तो काफ़ी 9 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, तो कॉमेडी जनरा रोमांटिक कॉमेडी जनरा, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव ट्राइड। नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है क्रोमा पे शूट करके और VFX एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त किया है। टीम के बारे में बताइए। और अच्छा लगा आर्टिस्ट जाना मुझे जो मैं स्मिथ ने गाना आर्टिस्ट आगे मैं स्मिथ सिंगर ही है। तो आप किस आप टीम से जुड़ना चाह रहे हैं आगे फ्यूचर में क्या कंपोज भी है? हां ऑफ कोर्स इनके साथ काम किया है हम लोगों ने DOP साहब जो है वो लाइक यू एक गीत को शूट किया है बहुत अच्छे तरीके से, वो भी जल्द आने वाला है। तो आपका भी कुछ गाना आने वाला है उसके बारे में बताइए। हाँ जितिन जी के साथ कल ही एक तो अनु जलोटा की आवाज़ में एक तीसरी से गाना मेरा रिलीज हुआ है चांद सादवानी म्यूजिक, तो बहुत बड़ी बात है वो मेरे लिए तीसरी से रिलीज हुआ है। और अभी ये नेक्स्ट गाना भी हमारा जल्द रिलीज होने आ रहा है। थैंक्स सर। I'm Matt Smith. I'm from Guwahati, Assam. I was born and raised in Shillong. And I'm a music producer, a songwriter and also a singer. So yahan pe maine Mumbai mein aake naya gana banane ka jo plan kiya. Can I please take? Haan, no issue. Hi, I'm Matt Smith. Main Assam se hoon, Guwahati. Aur I was born and raised in Shillong, Meghalaya. तो मुंबई में आया मैं कुछ महीने पहले, नितिन सर ने मुझे लेके आया था बिकॉज ही काइंड ऑफ लाइक माय वर्क, सो ही थॉट मुझे एक चांस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए मुझे। तो मैं आया यहाँ पे, आई थॉट लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट थोड़ा हट के सो दैट लोगों का अटेंशन पड़े। फिर सोचा कुछ कॉमेडी करते हैं, रिफ्रेश एवरीवन्स माइंड, सबको पसंद भी आएगा। सो फिर हमने सोचा ये गाना फुद्दू करते हैं, तो दिस इज ऑल फन मस्ती कॉमेडी, मतलब इट्स जस्ट अ रिफ्रेशमेंट। अगर आपका मूड खराब हो तो आप ये गाना सुन के आपको बहुत अच्छा लग सकता है। आई रियली लव द टीम जो जिनके साथ मैंने काम किया, तो अमेजिंग, वेरी सपोर्टिव, वेरी मोटिवेटिंग, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। एंड लाइक आई एम श्योर यू गाइस आर गोना लव द वीडियो, वेरी क्रिएटिव वीडियो एंड इट्स गोना बी फन, मजा आएगा। टॉकिंग अबाउट योर बैकग्राउंड एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट किया आपने, पहला प्रोजेक्ट क्या था, कहाँ से स्टार्ट किया? ओके, सो मैं एक्चुअली बचपन से पोएम्स बहुत लिखता था, मुझे राइटिंग बहुत पसंद था, स्टोरीज भी लिखा करता था। एंड स्लोली स्लोली एज आई ग्रू, जब मैं क्लास 11 पहुंचा वहाँ पे मैं देखा बहुत बैंड्स परफॉर्म कर रहे थे, गाना गा रहे थे, ड्रम्स गिटार स्टीव, वो लाइक वेरी इंस्पायरिंग, मुझे बहुत पसंद था ये सब। सो मैं सोचा कि लाइक वाई नॉट मैं भी करूँ। देन मैंने जो पोएम्स जो मैं लिखता था उनको मैं गाना बनाना चालू कर दिया। आई स्टार्ट कंपोजिंग ऑन दैट, बैंड फॉर्म किया छोटा सा ऑल्टर ईगो करके, और फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई स्किल्स ऑन गिटार्स ड्रम्स सिंगिंग, और फाइनली मैं म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स पे ही घुस गया। लाइक आई वॉन्टेड इट टू बी माई करियर, सो मैं बैंगलोर पे CMedU CMR इंस्टीट्यूट में मैंने अपना साउंड इंजीनियरिंग का डिग्री कम्प्लीट किया। वहाँ पर मैंने अपना AVID सर्टिफिकेशन भी निकाला एंड फाइनली मैंने यहाँ से म्यूजिक बनाना चालू किया। एंड वही स्लोली आई केम टू मुंबई एंड अभी बस आई होप फिंगर्स क्रॉस यहाँ पे
सब अच्छा हो एंड लोग मुझे पसंद करें, मैं भी लोगों को अपना बेस्ट देता जाऊँ एंड मे द सॉन्ग्स कीप एवरीवन हैप्पी एंड जॉयफुल। एंड व्हाट अबाउट योर बॉलीवुड ड्रीम्स, बॉलीवुड के लिए अगर गाने का मौका मिले किस तरह गाना गाओगे आप? म्यूजिक डायरेक्टर्स जितने हैं कौन सा फेवरेट है, कौन सा जोनर जो है आपको इंस्पायर करता है? बेसिकली रोमांटिक, ये तो कॉमेडी है, किस तरह का जोनर गाना चाहोगे आप? एक्चुअली मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ, मुझे सब चीज़ बहुत पसंद है, कुछ अलग करना कुछ वो करना। बट देन यस, मैं रॉक फैनेटिक हूँ, आई लव रॉक, रॉक मुझे बहुत पसंद है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सब जॉनर सुनता हूँ, लाइक आई फील लाइक वो सब जॉनर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड वट हुन उस फ्यूचर पे कौन सा जॉनर पे क्लिक हो जाए, फॉर मी म्यूजिक इज जस्ट अ लैंग्वेज लोगों से रिलेट कर पाने के लिए। तो फ्यूचर में अगर अच्छे अच्छे काम मिले, आई वुड लव टू डू एनी जॉनर पॉसिबल, यू नो, एज वेराइटीज आई कैन रीच, उसमें मुझे अच्छा लगेगा। सो लास्टली व्हाट यू वांट टू अपील टू द पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो? लाइफ इज शॉर्ट, मजे करो, वट एवर ड्रीम यू हैव गो फॉर इट, डोंट थिंक ट्वाइस, जो भी करना है कर डालो बिफोर इट्स टू लेट। थैंक्स सर। तो यस, प्रिंस सोलंकी एज डायरेक्टर एंड एज अ डी ओ पी एंड सुभाष सिंह, उनके साथ हमने बैठ के बात किया कि कुछ समथिंग रियलिस्टिक इमेज को ग्राफिक के साथ कैसे कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो देन वी कम अप विथ दिस फुद्दू आइडिया, सो आई थिंक ये सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स सर। आई का आर्टिस्ट और प्रिंस भाई के साथ काम कर रहा हूँ। थैंक यू। क्या हो सकता है? अरे